चलिए देखते हैं, बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है कोशिका, तो कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल, हालांकि कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। अब इस साइटो का अध्ययन करिएगा तो हो जाएगा साइटोलॉजी। तो कोशिका को जब भी बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा तो सेल नहीं कहा जाएगा, सेल इसका इंग्लिश नाम है, बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो, साइको नहीं, साइको माने पागल होता है। साइटोलॉजी क्या हो जाएगा इसका अध्ययन। देखिए कोशिका जो होता है ना, बहुत लड़कों को लगता है एक शरीर का सबसे छोटा अंग है, ये सबसे बड़ा गलत बात है। ये सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ सेल है, न कि पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी है, ये पार्ट सबसे छोटा पार्ट नहीं है। ये हम लोग आप खुद ही समझ जाएंगे कि सबसे छोटा अंग और सबसे छोटी इकाई में अंतर क्या होता है। कोशिका की जो खोज किया था यानी जो जनक थे वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा था और वो छोटी सी जूम करके उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला था। सबसे पहले जो जीवित कोशिका का खोज किया गया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा। तो कहेगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। याद रखिएगा खोजे वही थे, भाई मरा खोजे या जिंदा खोजे वो अलग बेहतर होता है। अब स्लाइडेन एवं श्वास नाम के दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ है वो कोशिकाएं हैं। तो कोशिका का सिद्धांत यानी शरीर कोशिका से मिलकर बना है किसने बोला था, स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला था। अब एक होती है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, इसमें दो तरह का क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, ये यूनिसेल्युलर होता है। तो ये दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब मानव में देखेंगे तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। मेल का जो स्पर्म होता है उसके शुक्राणु की कोशिका मानव में सबसे छोटी होती है। और यही मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओभम यानी अंडाणु की होती है। तो फीमेल का ओभम सबसे बड़ी कोशिका और मानव में मेल का सबसे छोटी कोशिका कह देगा तो वो स्पर्म हो जाएगा। मेल का स्पर्म वो सबसे छोटा और फीमेल का ओवम वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब एक होता है कि सबसे लंबी कोशिका, लेंथ में लंबाई किस चीज का होता है। अब बड़ा और लंबा में कई लोग अंतर नहीं समझते हैं। देखिए लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका होती है, न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका। अब एक ऐसी कोशिका होती है, ब्रेन की जो कोशिका होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है कि एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं एक कोशिका मर गई तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा, तो बगल की कोशिका विभाजन कर जाएगी और एक से दो में बनेगी। तो देखिए एक से दो बन गई तो एक जो विभाजन हुआ है वो अपना जगह एक रख लेगा और जो मर गया एक उसका जगह पे चला जाएगा, तो क्षतिपूर्ति हो सकती है। जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है ना, न्यूरॉन सेल, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए अगर आपके ब्रेन के अंदर चोट लग गया ना तो वो ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ मारिए तो ऊपर ठीक है चलेगा, और तेज मार दीजिए फूट जाएगा चमड़ा, खून निकलेगा सही है, और हड़ाहे मार दीजिए हड्डी फूट जाएगा ठीक है, और अगर हुमच दिए ना तो चला गया वो ब्रेन के अंदर, अब वो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए पुलिस ना आपको कहती कि बबुआ तू हेलमेट पहन, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता है, एक बार लगा ना तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाओगे, रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलोगे, समझ गए। अब बात करते हैं सबसे तेज विभाजन कहां होता है। जहां विभाजन नहीं वह जगह टूटने फूटने के बाद ठीक नहीं होगा, और जहाँ विभाजन सबसे तेजी से होगा वहाँ पर बहुत जल्दी टूट फूट को रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर होता है, हम ये लीवर में भी बता दिए थे बहिर्श्रावी ग्रंथि नाम के चैप्टर में। लीवर जो होता है अगर लीवर को काट दीजिएगा ना तो अपने से ठीक हो सकता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है वह कौन सी कोशिका है जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकती है, यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर सकती है, तो वो लीवर कर सकता है और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आ गया, यहाँ बड़ा छोटा ऑल में है और यहां बड़ा छोटा मानव में है। अब बात करते हैं कोशिका का मेन अध्ययन चालू करते हैं। जैसे देखिए अगर आप किसी ईंट को जोड़ते जाइएगा तो वो दीवार बन जाएगा। अब दीवार में तो ऐसा नहीं है केवल ईंट ही लगता है, सीमेंट भी लगता है, मसाला भी लगता है, बालू भी लगता है, लेकिन केवल ईंट का भी खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा दीवार कमजोर हो जाएगा। तो मेन यहाँ देखिए ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, दीवार। कई सारे दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा, कमरा। और रूम को सिस्टमेटिक सजा देंगे तो वो बन जाएगा घर। इसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी भी है, आप कोशिका को जोड़िएगा तो बन जाता है टिश्यूज यानी उत्तक। कोशिका को जोड़ेंगे क्या बनेगा, टिश्यूज यानी उत्तक। और उत्तक को जोड़िएगा तो वो बन जाएगा अंग। जैसे हाथ पर एक अंग है, आंख भी अंग है, जीभ भी अंग है, तो ये सब उत्तक है सब। हड्डी भी एक अंग है, वो भी उत्तक है।
अब इन अंगों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को कोशिका ये इतना चीज। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस फिर हम अभी इसी पार्ट में हम आपको समझाते हैं अन्य कोशिकाओं के बारे में। देखिए हम कोशिका के पार्ट्स को हम लोग देखना चालू करते हैं। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। ये एक झिल्ली के समान होती है और इसी के अंदर सभी कोशिका के अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकांड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्जी बॉडी हो, कोई भी अंग हो, सभी के सभी इसी के अंदर रहते हैं। इसकी विशेषता समझिए, ये पादप यानी प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और जंतु यानी एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। हम हो गए बकरी, जानवर, घोड़ा, गधा, ये जितने जानवर हैं जो चल फिर सकते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं जानवर, और जो एक जगह खड़े होकर खाली हिल डुल करते हैं उन्हें कहते हैं पादप। जैसे पेड़ पौधे वो एकदम हिल डुल करे वो क्या हो गए, पादप हो गए। समझ में आ गया, बकरी क्या हो गई, जंतु हो गई, हम लोग क्या हो गए, जंतु हो गए। तो ये जंतु में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। ये किस चीज का बना होगा, तो प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली है, कोई भी चीज इसी में रखा रहता है। जैसे आप देखते हो सामान खरीदने जाइएगा तो आलू थोड़ा सा प्याज नमक मिर्चा जो भी रहता है एक तो झिल्ली में दे देता है, उसी तरह ये कोशिका का झिल्ली है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब आप कभी गौर किए होंगे, अगर आप जाइएगा तो कहिएगा 10 रुपया का आलू दे दीजिए तो एक तो झिल्ली में दे देगा, 5 रुपया का प्याज, 2 रुपया का मिर्चा, धनिया पत्ती, कुछ कुछ ले लीजिएगा इसी में तो एक तो झिल्ली में दे देगा, और अगर उसी में ज्यादा चीज ले लीजिएगा ना तो डबल झिल्ली लगा देगा। देखे इस चीज को, तो जो कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती है ना उनमें डबल झिल्ली होता है। तो डबल झिल्ली किस में होता है, तो वो दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, सेल वॉल जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे आपसे कहेंगे कि दोहरी झिल्ली किस में लगाई जाती है, तो भारी सामान में, हल्के सामान में तो एक ही झिल्ली लगेगी। समझा ना, तो पहली झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन, ये तो सब में रहेगा जंतु हो या पादप हो। लेकिन दोहरी झिल्ली जो होती है कोशिका भित्ति, वो केवल किस में पाई जाती है, पादप यानी प्लांट में, ये इसी झिल्ली के बाहर होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है यानी दीवार होती है, ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार प्रदान करती है। जैसे हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़ा से कर लेते हैं, जानवर बाल से कर लेते हैं, पेड़ पौधे अपने किससे करते हैं, कोशिका भित्ति से करते हैं। उनके पीछे एक छाल जो झिल्ली होती है कोशिका भित्ति से करते हैं। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए पेड़ पौधों से कुछ भी चीज बनाइएगा पूछेगा कि इसमें क्या पाया जाता है, तो सीधा मारिए सेलुलोज। हमारा जो कपड़ा है ये कपास से बना है, रुई से, वो भी पेड़ है, तो इसमें भी सेलुलोज। जो कागज बनता है वो भी पेड़ से बनता है, तो उसमें भी सेलुलोज। जो नोट छापा जाता है वो भी कागज से बनता है, सेलुलोज। समझ में गया। हाँ, अगर कह देगा कि जीवाणु का किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक का किसका बना होता है, तो कवक का बना होता है काइटिन का। इसका हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ले लेंगे, इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा। यहां हम धीरे धीरे लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, तो आप पीडीएफ में ले लीजिएगा। तो देखिए, अगर कहेगा कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, तो भैया कोशिका झिल्ली, पादपों में भी कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में। समझ में आ गया आप लोगों को, ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, इतना तो समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और इसके पार्ट्स को हम समझाते हैं। देखिए, अब माइटोकांड्रिया के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। कभी कभी इसके खोजकर्ता पूछता है, खोज कहेगा तो अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकांड्रिया हम यहाँ एम से लिख दिए। इसका काम क्या होता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो आपको श्वसन तंत्र में बढ़ा दिए हैं कि हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकांड्रिया को दे देता है। ये माइटोकांड्रिया में जाके ऑक्सीजन क्या करता है, तो एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अतः उस चेन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो कहेगा कि कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो कहाँ चलेगा, माइटोकांड्रिया के अंदर चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, माइटोकांड्रिया के अंदर चलेगा। ये जो क्रेब्स चक्र है, इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं, और यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा यानी पावर देता है। तो कहेगा कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को। पावर हाउस माइटोकांड्रिया, शक्ति गृह माइटोकांड्रिया, सब यही होता है। कहेगा कि माइटोकांड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र। कहेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का काम कौन करता है, तो ये कौन करेगा बाबू, माइटोकांड्रिया। एक और क्वेश्चन कहता है कि माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहेंगे।
समझ में आ गया। तो अब बताइए, हमारे शरीर में चारों ओर कोशिका है, जीभ में भी कोशिका है, उंगली में भी है, हाथ में, पैर में, हर जगह कोशिका है और हर जगह माइटोकांड्रिया है, क्योंकि कोशिका जहां रहेगा उस कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया रहेगी। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि भैया कोशिका सबसे छोटा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही ये सब चीज़ है सब। तो देखिए, कोशिका के अंदर जो माइटोकांड्रिया है ऊर्जा बनाता है। अब एक बात बताइए, मेरे पैर में भी कोशिका है, जीभ में भी है, सब जगह है। एक बात बताइए, जो आदमी दौड़ रहा है, धावक है, उसको सबसे ज़्यादा पैर में ऊर्जा की ज़रूरत है। अब जैसे हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जीभ को ज़रूरत है, वो करेगा। कोई मान लीजिए सिलाई कर रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है तो हाथ में ज़रूरत है, जबकि बन रहा है हर जगह, किसी को ज़रूरत है किसी को नहीं है। तो ये बहुत डिसबैलेंस हो गया। जैसे हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमारा जीव है इतना बड़ा, अब इस जीव की कोशिका बना रही है क्या चीज़, माइटोकांड्रिया की मदद से ऊर्जा बना रही है, और हम एक घंटा पढ़ा दिए तो ये जीव ऐसे चलते 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 इसका खत्म हो जाएगा, अभी चलने छोड़ देगा, करेगा इसे चलना ही छोड़ देगा। और जबकि हम चुपचाप खड़े हैं, ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो पैर इतना बड़ा है उसमें कोशिकाएँ ज़्यादा होंगी, ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। तो एक आदमी चाहिए ना जो पूरा ऊर्जा को खखोर के लेके आए कहाँ तक, जीभ तक, कि भैया इसको ज़्यादा काम है इसको दे दो। तो एक आदमी ऊर्जा के परिवहन के लिए चाहिए कि जहाँ ऊर्जा कम है वहाँ से लेके जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दे। इस परिवहन करने वाले का नाम क्या है, गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसी के नाम पर हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों इसका गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी काय होता है। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। ये परिवहन करता है, समझेगा, जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत वहां से प्रोटीन उठा के जिसको ज्यादा जरूरत उसको दे देता है, जहां ऊर्जा की कम जरूरत वहां से लेके ज्यादा वाले को दे देता है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता ना तो जीव थक गया करके तो गए काम से, समझ गया। ये पूरी शरीर में ऊर्जा को एक बैलेंस बना के रखता होगा, इसलिए आपका शरीर थकता है तो चारों ओर से थक जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप थक गए तो कहते नहीं यार कमर थक गया है बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा थोड़ी होता है। पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है गोल्जी बॉडी, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, तो ये तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आप लोग को। अगला देखते हैं वैक्यूल्स यानी रसधानी। हमारे शरीर में 65% जो है ना वो 65% पानी है। अब आप कहिएगा 65% पानी है, यानी अगर कोई 100 kg का आदमी है एक क्विंटल का, तो उसमें 65 kg पानी है। सोच रहा उसके पेट में इतना पानी कैसे गया 65 लीटर, ये पेट में नहीं है पनिया, पेट में तो 1-2 लीटर जो पीते हैं। सारा का सारा पानी कोशिका के अंदर भरा हुआ है, कोशिका के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। और यह पानी कहाँ रहता है, वैक्यूल्स में रहता है यानी रसधानी में रहता है। हम लोग जो जंतु में आते हैं एनिमल सेल में, हम लोग का वैक्यूल्स छोटा होता है, और पेड़ पौधों का कोशिका के अंदर का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है ताकि पानी को वो स्टोर करके रख सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। शरीर में 65% जल होता है जो कहाँ स्टोर करके रखा रहता है, वैक्यूल्स में। इतना समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे समझाते हैं। देखिए अब तारक काय यानी सेंट्रोसोम क्या होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। सेंट्रोसोम यानी तारक काय की खोज किसने किया, बोबरी नामक विद्वान ने किया था। इसका काम क्या होता है, कोशिका विभाजन। एक्चुअली आप लोग को क्या लगता है कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का टूट जाना, गलत बात है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका टूट कर दो कोशिकाओं का निर्माण कर देना। तो इसका मतलब एक था टूट के दो बन गया, तो वो तो पुनर्निर्माण हो गया और बढ़ गया। तो कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में, इसीलिए लीवर की कोशिकाएं धड़ाधड़ अपना पुनर्निर्माण कर लेती हैं। और ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ब्रेन यानी न्यूरॉन में, ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन टूट फूट होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। अब याद रखिए, अगर ये कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया ना, तो उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो किसी भी जगह पे अनकंट्रोल कोशिका विभाजन हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, कहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहां पाया जाता है, ब्रेन में। न्यूरॉन कहां पाए जाएंगे, अगर कहेगा न्यूरॉन कहां पाया जाएगा, तो न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में। यहां कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसका मतलब ब्रेन में तो कैंसर ही नहीं होना चाहिए। फिर भी ससुरा कैंसर का हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं ना ब्रेन के कैंसर को, क्यों। तो देखिए, जो ब्रेन होता है इस ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसी ब्रेन में 10% ग्लियल सेल पाया जाता है, और उस ग्लियल सेल में ये सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। तो यही सेंट्रोसोम ब्रेन के 10% वाला भाग यानी ग्लियल सेल को
कंट्रोल के बाहर विभाजन कर देगा तो ब्रेन में भी क्या हो सकता है, कोशिका विभाजन तेजी से हो जाएगा, ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो ब्रेन कहेगा किस चीज से बना है, तो 90% न्यूरॉन सेल और 10% ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल में कैंसर नहीं होता है लेकिन ग्लियल सेल में कैंसर हो जाता है और पूरे ब्रेन को लेकर चला जाता है। तो अब आई होप आप सेंट्रोसोम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग अंतः प्रदत्त जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में इसे ईआर कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ईआर। अंतः प्रदत्त जालिका कोशिका के अंदर एक कंकाल का काम करता है। जिस तरह आपके घर में पिलर होते हैं, बीम दिए गए रहते हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर पिलर दिए गए हैं ताकि कोशिका पचके नहीं, पचक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यह आंतरिक कंकाल का काम करता है और आंतरिक सहायता देने का काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसे कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका जो होती है ये दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझिएगा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इसी का दो पार्ट होता है, प्रकार नहीं होता है। एक हिस्सा खुरदुरा होता है और एक हिस्सा एकदम प्लेन होता है। तो जो प्लेन होता है उसे कहते हैं स्मूथ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहां प्लेन है, एकदम चिकना है, तो उसे क्या कहते हैं, स्मूथ। अब ये स्मूथ वाला क्या बनाता है, तो वसा बनाता है। वसा मतलब चर्बी, एकदम तेल, चर्बी। तो चर्बी एकदम स्मूथ रहता है कि नहीं, चिकना रहता है। तो स्मूथ वाला क्या बनाएगा, वसा बनाता है। समझ में आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ लिख दिए हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर क्या बनाता है, वसा। अब देखिए, जनरली कहा जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है, यह बात सही है लेकिन आधा सही है। देखिए, रफ वाला खुरदुरा हुआ क्यों, रफ हुआ क्यों, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे पाए गए थे जिन्हें हम कहे थे राइबोसोम। क्या कहे थे, राइबोसोम। और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। चूंकि यह राइबोसोम इस रफ वाले की ओर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रोटीन का निर्माण रफ साइड से होता है, लेकिन रफ वाला करता नहीं है। रफ साइड से प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। समझ आ गया आप लोगों को, राइबोसोम का काम क्या होता है। अब हम राइबोसोम के बारे में समझते हैं कि 70S, 80S क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी है, आप वहाँ PDF ले लीजिएगा। देखिए, अब राइबोसोम के बारे में समझते हैं। राइबोसोम का नामकरण वगैरह के बारे में रॉबिन्सन का भी नाम आता है, हालांकि इसके खोजकर्ता पैलेडे थे। राइबोसोम का काम क्या होता है, यह राइबोसोम आप बता देंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट पे पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम, यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही पाया जाता है और रफ साइड में, और प्रोटीन का निर्माण करता है, जिस कारण इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। समझ आ गया, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आप माइटोकांड्रिया समझ गए, गॉल्जी बॉडी समझा दिए आपको, वैक्यूल समझा दिए, सेंट्रोसोम समझा दिए, ईआर समझा दिए, राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम को दो भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। सेडिमेंटेशन कोफिशियंट का मतलब एक तरह से कहिए कि आकार को बताता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और सेडिमेंटेशन कोफिशियंट के आधार पर हम आकार का निर्धारण देख कर साइज के हिसाब से नहीं करते, बल्कि एक लिक्विड यानी एक फ्लूइड में दो चीजों को डाल देते हैं। जो पहले नीचे गिर गया, हम ये मान लेते हैं कि वो बड़ा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। आई होप आप समझे होंगे कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका ज्यादा है। अगर साइज में बड़ा है तो वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से नहीं बड़ा है। जल में डालने पर या द्रव में डालने पर कौन जल्दी नीचे गया, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो बड़ा है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, S यहां सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, और एक होता है 80S। अब आप बताइए बड़ा कौन होगा, 80S वाला। 70S वाला छोटा होता है, 80S वाला बड़ा होता है। ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और बड़ा वाला यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक्चुअली कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही पार्ट में हम हर टिप टाइप को नहीं पढ़ पाएंगे। हम इसके सेकंड पार्ट में आपको अंतर समझा देंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ में आ गया, आप बस इतना समझिए, जिन्हें आप बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। एक जनरल सा यही धारणा समझ जाइए, और जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ गया वो प्रोकैरियोटिक में चले आते हैं। आप ये जनरली समझिए इस पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम आपको एकदम डिटेल से समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। तो बताइए, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे, राइबोसोम। कितने प्रकार का, दो, 70S छोटा, 80S बड़ा।
खोजकर्ता पैलाडे ने किए थे। समझ आया। अब अगला समझते हैं हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है? यह कोशिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है और पूरे कोशिका को कंट्रोल करके यही रखता है। सबको कहता है रे सही से काम कर, माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी चल इधर उधर सामान ढो, वैक्यूल्स पानी रखो, सेंट्रोसोम विभाजन करो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, सबको समझाता है सब ठीक ठाक से, ठीक ठाक से। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसे हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, और इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए और जीन वगैरह पाए जाते हैं। इसका चैप्टर अलग होता है डीएनए और आरएनए का, वो चैप्टर अलग आएगा उसमें हम समझाएंगे। समझ गया। अब कहेगा केंद्रक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो देखिए प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% और बाकी 10% में अन्य तत्व रहते हैं। तो प्रोटीन कितना परसेंट रहेगा? 80% और डीएनए 10%। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, परिवहन गोल्जी बॉडी और ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया, ये समझ रहे हैं आप लोग। इसको एक पिक लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी समझाते हैं आगे इसके आगे आपको। देखिए अब लाइसोसोम के बारे में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी खोज डी डूबे ने किया था, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया। इसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी कोशिका के अंग पर पड़ गया ना तो उसको जला के खत्म कर देगा यानी पचा के रख देगा उसको। अब जैसे मान लिया ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम क्या है? इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर सफाई का भी काम करता है। कैसे? कि मान लिया कि माइटोकांड्रिया काम नहीं कर रहा, अच्छा से काम नहीं करेगा ना, तो बुलाएगा माइटोकांड्रिया को, रे इधर आ रे, तेरा काम क्या है? ऊर्जा बनाना ना, काहे नहीं बना रहा है? कहेगा मन नहीं है। तो लाइसोसोम ना माइटोकांड्रिया को पकड़ेगा, कहेगा मन नहीं है, और उसके अंदर क्या छोड़ देगा? जल अपघटक एंजाइम, और वह माइटोकांड्रिया मर के खत्म हो जाएगा, खत्म कर देगा उसको, एंजाइम छोड़ेगा, खत्म हो जाएंगे जल के वहाँ पे, मतलब पिघल जाएंगे एकदम खत्म। इसलिए इसको कोशिका के अंदर का एकदम पाचक तंत्र कहते हैं। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो गला के रख देगा। फिर गालजी बॉडी को कहेगा तुम रे ठीक ठाक है ना, न्यूक्लियस को कहेगा न्यूक्लियस चाचा देखते रहिएगा सब ठीक ठाक से काम करे सब, और नहीं करते ऐसे काम तो बोलिए मेरे पास, अब ये गला के खत्म कर देते हैं इनको। बहुत खतरनाक होता है लाइसोसोम, इसी के डर से सब काम अच्छा से करते रहते हैं सब। समझ आया। कभी कभी कोशिका के सभी अंग ना काम करना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे हम काम, क्या कर लोगे लाइसोसोम? इधर से वैक्यूल्स बोलता है हम भी नहीं करेंगे, वो कहता है हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम कहता है ससुरा इंकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है, और जब लाइसोसोम खुद को फाड़ता है तो पूरा जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर से निकलकर पूरी कोशिका के अंगों पे लग जाते हैं और पूरी कोशिका मर जाती है। पूरी कोशिका नहीं मरेगी, जिस कोशिका के अंदर का लाइसोसोम फटेगा वो कोशिका मर जाएगी, बाकी शरीर में तो रहेंगे ही। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, यानी कोशिका मरेगी उस कोशिका को कौन मार देता है? लाइसोसोम। यह लाइसोसोम जरूरी भी है, वरना कोशिका सड़ने लगेगी। मान लिया माइटोकांड्रिया मर गया और उसी में अंदर सड़ रहा है, उसको कोई गलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह लाइसोसोम गला देता है। अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा ना तो वहाँ वही चीज़ पड़ के सड़ा हुआ रहेगा। ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का आरबीसी, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन बाद वो रक्त मर जाता है। अब ये ब्लड मर गया है तो शरीर में घूमेगा, सड़ेगा, और लाइसोसोम तो है नहीं जो उसको ख़त्म करे, इसलिए वो एस्पिलिन में जाता है। प्लीहा या तिल्ली कहते हैं इस साइड में होता है, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं एस्पिलिन को, और एस्पिलिन में जाके मर जाता है। इसीलिए एस्पिलिन यानी प्लीहा यानी तिल्ली को, एस्पिलिन प्लीहा यानी तिल्ली को हम आरबीसी का कब्र कहते हैं। समझ आया। वो वहाँ जाके क्यों मरता है? क्योंकि उसके पास लाइसोसोम नहीं है। बाकी जो मरते हैं अपने पास वहीं सड़ के मरे रह जाते हैं कोशिका। यहाँ का कोई कोशिका मरा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे मारे तो यहाँ 4-5 कोशिकाएं मर गई, अब लाइसोसोम उसको गला देगा। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, अचानक हचाक से चोट लग जाता है, कभी आप दरवाजा खोलिएगा उंगलिये चिपा जाएगा, चाहे पुलिस क्या करेगी ना, लॉकडाउन में मार रही है, एकदम भयानक भड़ाक भड़ाक मार रही है लाठी से, तो क्या होता है ना कि जब लाठी से मारता है ना तो ससुरा लाइसोसोम में मर जाता है, कहता है दू ससुरा हमरे मार दिया, लाइसोसोम में मर जाता है। तो इतना दूर का लाइसोसोम में मर गया, कोशिका भी मरी है सब, साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया। अब आप बताइए, यहाँ पे तो सब मर गए, सफाई करने की जिम्मेदारी थी, लाश उठाने की जिम्मेदारी थी लाइसोसोम को, वही मर गया,
तो तब क्या होगा, यहाँ पूरा का पूरा मरी हुई कोशिका पड़ी रहेंगी। तो उसी को आदमी कहता है, देखिए ना मारा है पुलिस, पूरा करिया हो गया है, ओ हो हो। तो आदमी गर्म पानी से उसको सेकता है, गर्म पानी से सेकिएगा ना तो अगल बगल की कोशिकाओं के लाइसोसोम निकल के झांकेंगे, से कुंजी हो गई लोरी कहे सेक रहा है, कहेगा ये दादा इतने इतना मर गए हैं सब। तो सब तनी तनी छिरिक देगा सब अपना बगल में का। तो देखिएगा ना एक हफ्ता में छिरिक छिरिक के धीरे धीरे अपनी कोशिका को देख लेंगे सर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, और उधर छिरिक छिरिक के धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे सर, तो काला दाग हट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए आरबीसी में आत्म राइबोसोम लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये समझ गए? तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव समझाते हैं। देखिए अब हम समझते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे। ये जीव द्रव्य में 80% जल होता है और यह कलरलेस होता है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है एक बात बताइए। मान लिया इस बैग है, इस बैग में लोटा थरिया गिलास चम्मच एन तेन बहुत ज़्यादा चीज़ है। इस बैग को हम लाद के दौड़ेंगे तो ठन 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 बोलेगा, डिस्टर्ब होगा, फूट फाट के पचक जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में कुछ भर देना चाहिए ताकि फूटे नहीं। इसलिए आप देखिएगा कोई कैमरा वगैरह खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, तो उसमें डिब्बा थर्माकोल ये सब लगा लगा के रोक देता है ताकि लड़े नहीं एक दूसरे से। अब बताइए हमारी कोशिका है और इसमें अगर हम लोग चलेंगे लोग सब आपस में लड़ जाएंगे, न्यूक्लियस कहेगा माइटोकांड्रिया इधर का आ रहा है, उधर कहेगा इधर उधर ढके लेंगे सर, कहीं जो गलती से भड़क गया आपका लाइसोसोम भड़का देगा सबको, कि नहीं। अब ये तो हुआ बवाल, तो इसी के लिए इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया जाता है। वो लिक्विड भर दीजिएगा ना तो हिल डुल नहीं कर पाते हैं सब। इसी कलरलेस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब इसे जीव द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य पूरी कोशिका के बीच में भरा है और अगर ये जीव द्रव्य को हटाएंगे तो उस जीव का मरना फिक्स है। इसीलिए जीवन की भौतिक इकाई है ये जीव द्रव्य, इसको रहना जरूरी है। ये जो जीव द्रव्य है इसमें 80% जल भरा है। इस जल में 1% की कमी आई तो प्यास लगेगा और 10% जल की कमी होगी तो आदमी मर जाता है। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य दो टाइप का होता है। देखिए पूरी कोशिका में भरा रहता है ये जीव द्रव्य। अगर कोशिका में है तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका का नाम क्या था? साइटो। तो इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस में है तो इसे कहेंगे केंद्रिका द्रव्य। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य दो भाग में, केंद्रक के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के बाहर पूरी कोशिका में है तो उसे कोशिका द्रव, इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। आप समझ में आ गया आप लोग को कोशिका के? हम कोशिका चैप्टर बाबू बहुत लंबा होता है, हम इस पार्ट में आपको इतना बता रहे हैं कोशिका के अंगों के बारे में। इसका डिस्क्रिप्शन में इसके जितने PDF हैं वो आपको अवेलेबल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इत्यादि में अंतर बताएंगे। क्रोमोसोम वगैरह में हम समझाएंगे आपको, प्लास्टिड क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट ये सब क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कोशिका के।